हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिसंबर मंथ के सेकेंड वीक का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है जापान, ब्राजील, बांग्लादेश या यूक्रेन। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश टिक कर लीजिए। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्त पोषण मंजूरी दी है। विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने और हरित निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए 250 मिलियन डॉलर की वित्त पोषण की मंजूरी दे दी है। जो बांग्लादेश का एक बेस्ट है BEST, जिसकी फुल फॉर्म होती है बांग्लादेश इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो इनका बेस्ट है वो देश के प्रदूषण को प्रमुख मुद्दों से निपटने में मदद करेगा। सालाना सालाना लगभग 3500 मीट्रिक टन सालाना 3500 मीट्रिक टन ई कचरा संशोधित करने के लिए एक ई कचरा प्रबंधन सुविधा स्थापित की जाएगी। ई कचरा प्रबंधन प्रबंधन सुविधा यह स्थापित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने दस्ते इरशाद या गार्डियंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है? आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ईरान, इराक या फिर कुवैत। इसका जो राइट आंसर है वह है ईरान। ईरान ने गश्ते इरशाद या गार्डियंस पेट्रोल के नाम से जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है। इसका मेन काम क्या था वहां पे? इसका मेन काम था देश के इस्लामिक, सॉरी कहां पे मैंने लिख दिया ये, देश के इस्लामिक ड्रेस कोड को लागू करने का काम इस गार्डियंस पेट्रोल या गश्त इरशाद को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन आपके हैं 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या 7 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर होगा वो 7 दिसंबर होगा। सशस्त्र बल झंडा दिवस भारत में 7 दिसंबर दिसंबर 1949 से मनाया जा रहा है। ठीक है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर 1949 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 2 दिसंबर, 7 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर। इसका भी आंसर जो है वो 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर 1944, 7 दिसंबर 1944 को 54 देशों ने अमेरिका के शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। 7 दिसंबर 1944 को 54 देशों ने शिकागो, जो कि अमेरिका में है, अमेरिका के शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाल ही में किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, यस बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने
2022 में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में इंडिया सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीबीसी बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो इसमें 3 महिलाएं शामिल की गई भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की है? आपके ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, कानपुर, अहमदाबाद या दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास के जो शोधकर्ता हैं, बोला ना, जो रिसर्च करते हैं जो लोग हैं, उन्होंने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ओशियन वेव कनेक्शन कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। सोचिए, समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न की जाएगी, समुद्री तरंगों से। यह जो उपकरण है वह तमिलनाडु के, आपने तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह के तट से लगभग, मतलब जो तूतीकोरिन बंदरगाह का जो तट है वहां से 6 किलोमीटर दूर, 20 मीटर की गहराई वाले स्थान पर तैनात किया गया है। इस उपकरण को तूतीकोरिन तट से 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर की गहराई पे लगाया गया है। यह उपकरण जो है, यह वाला जो उपकरण है, वह अगले 3 वर्षों में, नेक्स्ट जो 3 वर्ष हैं, 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में समुद्र की लहरों से 1 मेगावाट बिजली पैदा करने की लक्ष्य रखता है। ठीक है, 1 मेगावाट मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हाल ही में सिप्री की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी शामिल हो गई है? आपके ऑप्शन है NTPC, SAIL, GAIL, OBL, BPCL, BHEL या HAL या BEL। इसका जो राइट आंसर होगा वो है HAL और BEL। HAL, एक HAL कंपनी शामिल की गई और एक BEL। ठीक है, HAL की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जबकि BEL की जो फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 26वें दिल्ली बुक फेयर का आयोजन कब से कब तक किया, मतलब कब से कब तक होगा? ऑप्शन आपके हैं 20 से 24 दिसंबर, 21 से 25 दिसंबर, 22 से 26 दिसंबर या 23 से 27 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर होगा वो 22 से 26 दिसंबर, दिल्ली बुक फेयर का आयोजन प्रगति मैदान में हो रहा है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने श्वेत क्रांति के लिए भारत से सहायता की मांग की है? किस देश के राष्ट्रपति, तो आपको नाम सुन के ही पता चल गया होगा रानिल विक्रम सिंघे, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? श्रीलंका के हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे, इन्होंने श्वेत क्रांति के लिए भारत से सहायता की मांग की है, भारत से सहायता के लिए मांग की है। चाहते क्या है ये, अपने देश में, मतलब श्रीलंका में क्या होगा, अपने देश में जो दूध है, दूध उत्पादन है, उसको दोगुना करने के लिए हस्ताक्षर या सहायता की मांग की है। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके हैं तासी रस्तान, अली मोहम्मद मागरे, प्रदीप मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है तासी रवस्तान, तासी रवस्तान। हाल ही में किस फिल्म में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है? ऑप्शन आपके हैं RRR, टर्निंग रेड, चीपर बाय डजन, नो एग्जिट। तो इसका जो राइट आंसर है, कौन सी वो फिल्म है, वो RRR मूवी है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, राजा मौली, जिन्होंने बाहुबली मूवी बनाई थी। कौन सी बनाई थी? बाहुबली मूवी बनाई थी, बाहुबली मूवी बनाई थी। RRR भी इन्होंने ही मूवी बनाई है। तो इन्हें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड मिला है। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए 3रे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके हैं दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम या बेंगलोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो गुरुग्राम है। गुरुग्राम में नेत्रहीनों के लिए 3रे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में चुनावी
ब्रांड की बिक्री के लिए, बांड होता है यहाँ पे, ब्रांड नहीं बांड है कि बिक्री, बांड ऐसे लिखा था, बांड, बांड की बिक्री और नगरीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? ऑप्शन आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप डायरेक्ट नहीं किसी पार्टी को रुपया दे पाएंगे, आपको एक बॉन्ड खरीदना होगा। ठीक है, बॉन्ड खरीद के आप पार्टी को दीजिए, पार्टी बॉन्ड रखेगी और वो बैंक से आकर पैसे निकाल लेगी। हाल ही में किसे बकिंगम पैलेस द्वारा सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, मोहन मानसिंघनी, इनमें से कोई नहीं, संदीप मिश्रा भी। ठीक है, संदीप मिश्रा इसका जो राइट आंसर होगा वो मोहन मानसिंघनी। ठीक है, मोहन मानसिंघनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके हैं बैंगलोर, पुणे, नई दिल्ली या फिर मुंबई। इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली है। नई दिल्ली में मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। हाल ही में यूएस इंडिया नवल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज संगम का 7वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? मेघालय, गोवा, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका गोवा है। गोवा में यूएस इंडिया नवल एक्सरसाइज संगम का 7वां संस्करण शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर बनी है? रिलायंस, अदानी, अडानी, अडानी, टाटा ग्रुप या फिर लॉरेंस एंड टुब्रो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अदानी ग्रीन है। अदानी ग्रीन दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर बनी है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने सऊदी क्लब अल नास्र के साथ 200 मिलियन मिलियन ऐसे कर लीजिए मिलियन यूरो का अनुबंध किया है? यूरो का अनुबंध किया मतलब इतने रुपए लिए हैं किस खिलाड़ी ने, किस खिलाड़ी ने सऊदी क्लब अल नास्र के साथ 200 मिलियन यूरो का अनुबंध किया है? आपके ऑप्शन है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पॉल लेवल बोगबा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है रोनाल्डो, रोनाल्डो ने 200 मिलियन यूरो लिए हैं इसमें खेलने के लिए। हाल ही में किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस मेट्रो ने बनाया है? नागपुर, नागपुर मेट्रो, नागपुर जो मेट्रो है, नागपुर मेट्रो, इसमें क्या हुआ है, ये डबल डेकर में मेट्रो चलेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में कौन 3 साल के लिए ONGC के अध्यक्ष बने हैं? आपके ऑप्शन है बेस्सा रामकृष्ण गुप्ता, अमन मिश्रा, अरुण कुमार सिंह या गिरधर अरमाने। तो इसका जो राइट आंसर है वो अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह इज द राइट आंसर। ONGC के 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं ONGC के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नावार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नावार्ड का अध्यक्ष, तो अभी हाल ही में इनकी ज्वाइनिंग हुई है आपके हैं आज मनोज, प्रदीप मल्होत्रा, TVS सूर्य कुमार, शाहजी वीके। इसका राइट आंसर है शाहजी वीके, KB। हाल ही में किस राज्य में कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन आपके हैं आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में कार्ति गई दीपम का रथ उत्सव का आयोजन किया गया है। कार्ति गई दीपम रथ का उत्सव का आयोजन किया गया है। हाल ही में नियुक्त टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आपके ऑप्शन है PT उषा, मेघना अहलावत, मिताली राज, साइना नेहवाल। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो मेघना अहलावत होगा। अंतर्राष्ट्रीय पैकमैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पैकमैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका ऑप्शन आपके हैं मुंबई, बनारस या वाराणसी, पटना, जयपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो वाराणसी होगा। वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का समारोह का आयोजन किया गया है। हाल ही में किसने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन, ऑप्शन जयशंकर, ज्योतिराज सिंधिया, जी किशन रेड्डी या अनुराग ठाकुर। इसका आंसर है अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री आपके अनुराग ठाकुर ने पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है, मतलब ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेट के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं? स्मृति मंधाना, ऋषिकेश कानिटकर, मिताली राज या बीवीएस लक्ष्मण? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऋषिकेश कानिटकर हैं। ऋषिकेश कानिटकर को भारतीय महिला क्रिकेट के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। फरवरी 2023 में भारत किस देश में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? ऑप्शन आपके हैं मॉरिशस, फिजी, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिजी। फिजी ऐसे लिख लीजिए, फिजी। फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा भारत। हाल ही में इटली के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह हुआ है? तो देखिए इटली तो दे दिया गया पहले से ही है, तो आप समझ जाएंगे। रूम नहीं, रूस होता है ये, मिलान, रूस, वेनिस या फ्लोरेंस। इटली के किस शहर में? ऑप्शन आपका यहाँ नहीं है, रोम में होगा। ठीक है, रोम टिक कर लीजिए, ऑप्शन नहीं दिए गए यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो आप समझ गए होंगे नाम से ही, राष्ट्रपति जेलेंस्की अभी चर्चा का विषय रहे थे, मतलब बहुत ही चर्चा में रहे थे, तो यूक्रेन, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाला विषय बना है, सर्च किया जाने वाला विषय कौन सा बन गया है? नुपुर शर्मा, द्रौपदी मुर्मू, आईपीएल या फीफा वर्ल्ड कप? तो 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला भारत में आईपीएल वर्ल्ड, मतलब आईपीएल इतना देखा ही जाता है, क्या ही बताया जाए, सबसे ज्यादा सर्च करने वाला शब्द बन गया। हाल ही में कौन भारत के 77 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? अर्जुन कल्याण, आदित्य मित्तल, विश्वनाथन आनंद या राहुल श्रीवास्तव? तो इसका जो राइट आंसर है वो आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल 16 ईयर एज है इनकी, मात्र भी 16 ईयर एज है, शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आनंद विश्वनाथन, विश्वनाथन आनंद पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आनंद विश्वनाथन को 1992 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है? आपके ऑप्शन है 0.25, 0.40, 0.50 या 0.35। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 0.35% की बढ़ोतरी की है। किस संस्था ने प्राइवेट प्रिवेंटिंग इंजरी एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? IMF, WTO, WHO, इनमें से कोई नहीं। तो WHO ने प्रिवेंटिंग इंजरी एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस लेखिका ने अपनी पुस्तक में मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? आपके ऑप्शन है प्रीति सुनाई, मानसी गुलाटी, मीना मेयर, रेखा चौधरी। तो किस लेखिका ने अपनी पुस्तक में मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? तो मानसी गुलाटी इसका राइट आंसर है, मानसी गुलाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मल्लिका साराभाई को कला मंडलम का कुलपति नियुक्त किया है? कला मंडलम का कुलपति, साराभाई को कला मंडलम का कुलपति नियुक्त किया है, तो ये कहाँ हुआ है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो केरल। केरल राज्य सरकार ने मल्लिका साराभाई को कला मंडलम का कुलपति नियुक्त किया है। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 87 भारत की रैंक रही है इस बार वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट पासपोर्ट में। इसका मतलब होता है कि आप कितने, मतलब जितने ज्यादा देशों में आप अपने पासपोर्ट को लेके जा सकते हैं, मतलब वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पासपोर्ट से ही काम चला सकते हैं, उतना ही आपका स्ट्रांग होगा। भारत लगभग 60 देशों में अभी बिना वीजा के जा सकते हैं भारतीय लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? किस राज्य सरकार ने? आपके ऑप्शन है मेघालय, असम, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में दिल्ली के एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? पूनम, बॉबी, दीप्ति या इनमें से कोई नहीं। तो जो बॉबी है वो पहली, दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि एमसीडी की ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में देश भर में 15 अगस्त तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? आपके ऑप्शन है 800, 1000, 1200 या 1500। इसका जो राइट आंसर है वह 1000। 1000 15 अगस्त तक खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार कब तक के लिए किया है? केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना का विस्तार कब तक के लिए किया है? मार्च 2024, मार्च 2025, 2026 या 2027। तो इसका जो राइट आंसर है मार्च 2026 तक के लिए। हाल ही में भारत सरकार ने आवाज परियोजना को पूरा करने के लिए स्वामी फंड में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? 4000 करोड़, 5000 करोड़, 6500 करोड़ या 7000 करोड़। इसका जो राइट आंसर होगा वो 5000 करोड़ होगा। 5000 करोड़ भारत सरकार ने आवास परियोजना को पूरा करने के लिए, आवाज नहीं, आवास परियोजना को पूरा करने के लिए स्वामी फंड में 5000 करोड़ का निवेश किया है। हाल ही में किसने भारत को गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? किसने भारत के लिए गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो यह गूगल ने शुरू किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत की रैंक क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई? तो पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाल ही में कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पंजाब? इसका जो राइट आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पहला वर्ड लिखा हुआ है इसलिए डबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के बीच फॉर्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म घोषित किया गया है? किस राज्य ने किया ऐसा है? इसका आंसर है केरल। केरल राज्य के बीच, हाल ही में किस राज्य के बीच फॉर्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म घोषित किया गया है? तो देश का पहले केरल राज्य को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में 2022 पूर्ण ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन आपके तीसरे, चौथे, पांचवें या सातवें? तो भारत इसमें 5वें लिस्ट पे है, 5वें नंबर पे है भारत 500 मूल्यवान सूची में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार की प्राप्ति की है? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, लक्षद्वीप, गुजरात, जम्मू, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर टिक कर लीजिए। जम्मू कश्मीर ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, मतलब सभी लोगों के पास यह कार्ड उपस्थित है। हाल ही में आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? भारतीय ओलंपिक संघ IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? ऑप्शन आपके हैं कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल या पीटी उषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो पीटी उषा है। तो दोस्तों आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।